दोस्तों, हमारी लाइफ में हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं मोबाइल और कंप्यूटर का। क्या आप जानते हैं इसकी स्टोरेज कितनी होती है? हाँ, मेनली कंप्यूटर और मोबाइल में अधिकतर स्टोरेज होती है 512 GB या फिर 1 TB भी हो सकती है, और किसी किसी कंप्यूटर में इससे ज़्यादा हो सकती है। पर आप अधिकतर देखते होंगे हमारे दिमाग में ना जाने कितनी स्टोरेज होती है और हम कितने ही आइडिया को स्टोर करके रखते हैं। पर क्या आप जानते हैं हमारे ब्रेन का कितना स्टोरेज होता है और ये कैसे स्टोर करके रखता है? आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों, हमारे इस ह्यूमन ब्रेन में कम से कम न्यूरॉन्स की संख्या लाखों में होती है और ये न्यूरॉन्स हमारे आइडिया को सेव करने में मदद करते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि ह्यूमन ब्रेन दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर है। इस प्रकार दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर है तो सबसे ज्यादा स्टोरेज भी इसी के पास होनी चाहिए। दोस्तों, ह्यूमन ब्रेन की जो कैपेसिटी है वो है 2.5 पेंटाबाइट। अगर इसको हम जीबी में कन्वर्ट करें तो वो होती है 2.5 मिलियन जीबी। है ना, हमारे ब्रेन के पास सबसे ज्यादा स्टोरेज।